हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। क्या दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी पे लगा हुआ टैक्स 30% टैक्स, 1% TDS वो कम हो सकता है? इसका आंसर है हाँ भाई हाँ। अभी यहाँ पर एक अच्छी न्यूज आई है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि आने वाले समय में हमारा जो टैक्स और TDS है वो यहाँ पर कम हो सकता है। इसके अलावा क्रिप्टो बिल के ऊपर काफी कुछ बोला गया है, काफी कुछ यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है हमारे पार्लियामेंट के अंदर। इसकी पिछली वाली वीडियो मैंने आपको काफी कुछ बताया था, तो यहाँ पर काफी कुछ आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में और बात करेंगे BTC के बारे में। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को अगर फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जरूर से फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ओवरऑल बात करते हैं मार्केट की। तो आप मार्केट के बारे में देखेंगे तो लगभग 7 दिन के अंदर पूरा का पूरा जो मार्केट है वो लालम लाल हो रखा है, ये देख सकते हैं। पूरा आप कॉइन जो है, सारे के सारे जो कॉइन है वो आपको रेड ही रेड देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ कॉइन है वो यहाँ पर पॉजिटिव चल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है वो 7 दिन के अंदर नेगेटिव है। 24 घंटे के अंदर देखें तो हल्का फुल्का यहाँ पर पॉजिटिव में आया है, लेकिन उसको हम पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट अभी न्यूट्रल में चल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर BTC के चार्ट के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है BTC का वन डे का चार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक बियर फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी वजह से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि BTC का जो प्राइस है वो यहाँ से रिजेक्ट करके 13,500 के आसपास आ सकता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी दिनों से BTC इसी जोन के अंदर बंधा हुआ है और यहाँ से कहीं ऊपर और नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली एक ट्रेंड लाइन है जो कि काफी पुरानी ट्रेंड लाइन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी ट्रेंड लाइन को अभी यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है, और अगर इस ट्रेंड लाइन के ये नीचे आता है तो हो सकता है, उम्मीद ये है कि यहाँ से 13,500 जाए। और हाँ, यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो हमको यहाँ पर देखना ये है कि अगर ये वाला जो लाइन है यहाँ पर देखा जाए तो 300 मूविंग एवरेज भी आता है, तो 18,500 के ऊपर जाएगा तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। BTC का जब पंप आएगा उसमें क्या वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगा कि नहीं, क्या ये वॉल्यूम जो है वो ऊपर की ओर गया या फिर नहीं? अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर यहाँ पर सिर्फ पंप आया और वॉल्यूम नहीं मिला, तो उम्मीद ये रहेगा कि यहाँ से टकरा के फिर से ये नीचे आ जाए। और हाँ, देखना यहाँ पर यह है कि इसके नीचे आता है या फिर नहीं। इस लेवल को अगर तोड़ेगा तो 13,500 कन्फर्म है, ये चीज को आप देख के चलिएगा। बाकी अभी तो ओवरऑल मार्केट जो है वो न्यूट्रल में चल रही है, और इस वाले एरिया से देखना है कि कब निकलता है। बाकी इसके अलावा हम बात करते हैं क्रिप्टो बिल के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्विटर के ऊपर मैंने यहाँ पर 2-3 फोटो शेयर की है, जिसका लिंक मैंने आपको टेलीग्राम पे भी दिया है, तो जाके फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको अभी तक इसके बारे में नहीं पता है तो आपको पहले ही वहां पर सब पता चल जाता है। लगभग 10:30 के पहले मैंने वहां पर आपको इन्फॉर्म कर दिया था, तो आपको आई होप कि पता होगा। तो देखिए, कल के दिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्लियामेंट में पूछे गए हैं, जिनके आंसर रिटर्न में दिए गए हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि करंट में अभी जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट को लेकर यहाँ पर जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो अभी क्या करना चाह रही है, क्या वो रेस्ट्रिक्शन करेगी या फिर उसको रेगुलेट करेगी, आखिर वो करना क्या चाहती है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताइए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बात हुई है कि क्रिप्टो को लेकर अभी जो एस्टिमेट साइज है मार्केट का वो कितना है, कितने लोगों का यहाँ पर पैसा लगा हुआ है, इन सब बातों पे भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। और हाँ, साथ ही साथ आप लोग जानते होंगे काफी सारे मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे हो रखे हैं, काफी सारे एक्सचेंजेस के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि करंट में जो अभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसका जो टैक्स इन्वेजन है और जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो केस चल रहा है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर, उसके बारे में अभी क्या अपडेट है। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ये हमारे स्टेट मिनिस्टर ने दिया, जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्री पंकज चौधरी ने, उन्होंने यहाँ पर इसका आंसर रिटर्न में दिया है। देखिए, इन्होंने कहा है कि अभी जो करेंटली क्रिप्टो करेंसी है वो अनरेगुलेटेड है, और अभी जो यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो अभी इंडिया में रजिस्टर नहीं किए जाते हैं। और हाँ, इन्होंने ये भी कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये बॉर्डरलेस है, और अभी इसको अकेला कोई भी रेगुलेट नहीं कर पाएगा। इसको अगर रेगुलेशन करने के लिए आपको इंटरनेशनली कोलैबोरेशन करना जरूरी है, तब जाके यहाँ पर प्रॉपर आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रेगुलेट कर सकते हैं। साथ में जो इन्होंने केस के ऊपर बात की गई है उनमें यहाँ पर हमारे जो पंकज चौधरी है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो ED है वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जहाँ पर जो काफी सारे जो क्रिप्टो के फ्रॉड हुए थे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को यूज करके, उनके ऊपर जो ED है वो काफी सारे एक्शन ले रही है, और साथ में यहाँ पर जो काफी सारे एप्स है उनको यहाँ पर बंद भी किया गया है। तो ओवरऑल इनका यहाँ पर कहना ये है कि जितने भी अभी तक केस आए हैं उसके ऊपर जो है वो अभी यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है, और बाकी सारे जो एप्स है उनको यहाँ पर धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। और हाँ, इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि हमने अभी तक ओवरऑल जितनी भी यहाँ पर मनी है वो लगभग 907 करोड़ के आसपास यहाँ पर जो मनी है
वो यहाँ पर सीज कर दिया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा में। मतलब जितने भी केसेस हुए हैं आप लोग जानते हैं, काफी सारे केस हुए हैं क्रिप्टो एक्सचेंज को लेकर, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हुआ था। तो उन सबके जो पैसे हैं वो लगभग लगभग 907 करोड़ के जो मनी है उसको हमने सीज कर दिया है। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये जो मनी है हमने डिस्कशन कर रखा था पहले भी। बाकी यहाँ पर ये भी बात की गई है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के दौरान साथ ही साथ यहाँ पर 289 करोड़ अलग से सीज किए गए हैं, जो कि कहाँ से है, जो कि 37 एक्ट फेमा की तरफ से, वो है जेनमाई लैब्स की तरफ से। आप लोग जानते हैं जेनमाई लैब्स वजीरेक्स का है, तो उनके तरफ से यहाँ पर जो एक केस आया था जो बाइनेंस और वजीरेक्स को लेकर था। हालांकि ये पुरानी न्यूज है लेकिन उसको भी यहाँ पर नोट किया गया है। तो यहाँ पर सीधा ये बोला गया है कि जो बाइनेंस से और वजीरेक्स का जो ब्रिज था जो यहाँ पर कॉमन होता था, यहाँ से पैसा वहां और वहां से फिर डायरेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था, उसके खिलाफ यहाँ पर 289 करोड़ जो मनी है उसको भी यहाँ पर सीज किया गया था। हालांकि ये पुरानी बात है लेकिन यहाँ पर नोट किया है तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। और साथ में यहाँ पर ये भी बात की गई है जीएसटी के बारे में, काफी सारे जो एक्सचेंज है उन्होंने यहाँ पर जीएसटी पे नहीं किया था, तो जिन्होंने जीएसटी पे नहीं किया था उनका लगभग मनी था 87.60 करोड़, लेकिन उनसे यहाँ पर रिकवर किया गया 110 करोड़ यहाँ पर जो मनी है वो यहाँ पर उनसे रिकवर किया गया ड्यूरिंग पेनाल्टी। तो चलिए सही है, क्योंकि जिस भी एक्सचेंज ने जीएसटी पे नहीं किया था उनसे यहाँ पर मनी लेना तो जरूरी है, क्योंकि तभी वो सुधरेंगे। बाकी यहाँ पर ये भी कहा गया कि फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी प्रोसेस में चल रही है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप जान लीजिए। यहाँ पर देखिए, इन्होंने पूछा है कि क्या हो रहा है भाई क्रिप्टो करेंसी को लेकर 2021 के अंदर विंटर सेशन के अंदर क्रिप्टो करेंसी का जो बिल था वो यहाँ पर टेबल पे आना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, क्या अभी यहाँ पर करंट में सेशन चल रहा है? तो सेम इसका आंसर इन्होंने यही दिया कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो अभी बॉर्डरलेस है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाहिए तब जाके यहाँ पर इसको रेगुलेट किया जा सकता है। अभी यहाँ पर अकेला जो आदमी है, अकेला जो यहाँ पर कंट्री है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आंसर तो सेम ही था, लेकिन एक चीज इन्होंने काफी ज्यादा बढ़िया बोली है जो कि मेरे को भी काफी ज्यादा पसंद आया। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि हम यहाँ पर इंटरनेशनली कोलैबोरेशन करेंगे और हाँ, जो रिस्क और बेनिफिट है उसको यहाँ पर देख दाख के, इसको यहाँ पर जो इंटरनेशनल में होगा वो हम लोग यहाँ पर करेंगे, अकेले हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप लोग जानते हैं बाहर देश में क्या हो रहा है, लेकिन हाँ अभी हमारे इंडिया में अच्छी बात ये की गई है कि वो जो है वो ग्लोबली देख रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये लोग खुद भी जानते हैं कि अकेले हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। उनके सामने क्रिप्टो करेंसी ऐसी चीज है कि बॉर्डरलेस है, उसको हम ग्लोबली नहीं कर सकते, तो इन्होंने सोचा ये है कि जो बाहर देश में होगा वही चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं G20 का यहाँ पर जो नेशन है वो इंडिया में होने वाला है, तो उसका यहाँ पर मेन मुद्दा ही रहेगा क्रिप्टो करेंसी कि हम उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, तो उसपे यही चर्चा होने वाली है। तो हालांकि अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अब ये बाहर देश को देख रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है और उसी चीज को हम यहाँ पर करेंगे, ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया है। रिस्क और बेनिफिट को देख रहे हैं, मतलब जो रिस्क है उसको यहाँ पर बंद कर दिया जाए और जो इसका बेनिफिट है वो यहाँ पर लिया जाए, जो कि रेगुलेट में होता है, यही चीज है। हालांकि आप देखते हैं क्या रेगुलेशन आता है। बाकी यहाँ दोस्तों एक और न्यूज है जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लोअर क्रिप्टो टैक्स इन इंडिया यूनियन बजट 2023, व्हाट टू एक्सपेक्ट, यानी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो क्रिप्टो टैक्स है वो 2023 के अंदर यहाँ पर लो होने वाली है। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। यहाँ पर ऐसा रूमर निकल के आ रहा है कि 2023 के अंदर हमारा जो क्रिप्टो टैक्स है वो यहाँ पर कम किया जाएगा। बाकी इसके बारे में आपका क्या राय है, क्या क्रिप्टो टैक्स को कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर ये जो क्रिप्टो बिल है इसके बारे में आपका क्या राय है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपको ऐसे वीडियो में। बाय बाय, सी यू next time।